सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुगर। आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल टेक वाला बाबू में स्वागत है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, मेरा मित्र एप्लीकेशन है और आपको मित्र एप्लीकेशन के माध्यम से एक नया अपडेट दिखाने वाला हूँ जो 9% तक आपको कमीशन मिलेगा, जिसका माध्यम से आप 9 रुपये तक कमीशन लूट सकती है। तो मैं इसको क्या करेंगे, बैक करके डायरेक्ट इसको ओपन करेंगे। अरे मेरा देख सकती है, इसमें मेरा बैलेंस जो शो हो रहा है, इसमें मेरा बैलेंस अभी शो हो रहा है 870 रुपये, मान के चलो 1 रुपया कम, ठीक है ना। मेरे इसमें 870 रुपये मेरा बैलेंस हो रहा है। इस जगह से पेमेंट करेंगे मित्र एप्लीकेशन में, आप देख पाएगा। तो ये मेरा बैलेंस जो इसमें शो कर रहा है, इसी बैलेंस को मैं एयरटेल मित्र एप्लीकेशन से मैं उसको रिचार्ज करेंगे तो मेरे को 9% तक कमीशन मिलेगा। तो आप देख पा रहे हैं मेरा बैलेंस इस जगह में शो हो रहा है, नहीं तो आप विश्वास नहीं करेगा मेरा बैलेंस है क्या नहीं है। तो इसमें मेरा बैलेंस जो शो हो रहा है 870 रुपये मान के चलो। तो मैं अभी मित्र एप्लीकेशन ओपन करेंगे, जो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं मित्र एप्लीकेशन मेरा है, अरे है एयरटेल पेमेंट बैंक। तो एयरटेल पेमेंट बैंक में मेरा बैलेंस है 2 रुपया। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं इसमें 2 रुपया है और इस जगह में मेरा अभी बैलेंस नहीं है। तो मैं रिचार्ज में जब भी जाएंगे, तो मान के चलो मैं रिचार्ज में क्लिक करेंगे तो इसमें गेट बैलेंस में चेक करेंगे तो इसमें मेरा 8 रुपया शो होगा, ठीक है ना। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं इसमें भी मेरा बैलेंस नहीं है और एयरटेल मित्र जो एयरटेल पेमेंट बैंक है इसमें मेरा 2 रुपया बैलेंस है। मान के चलो टोटल मेरे पास 10 रुपया है और इस जगह में मेरा जैसे कि आप लोग देख पा रहेगा इसमें 870 रुपये मेरा बैलेंस। तो मैं अभी आपको दिखाएंगे किस तरह आपको बैलेंस चेक करना है। तो मैं इसको एप्लीकेशन ओपन करेंगे मित्र एप्लीकेशन और इसमें आपको सर्च करना है, इसमें आप रिचार्ज कमीशन में जाना है जो आप 6% कमीशन शो हो रहा है। तो इसको आप जब भी क्लिक करेगा, मान के चलो इसको मैं क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इसमें आपको ओनली रिटेल एयरटेल कस्टमर के लिए है, कस्टमर मोबाइल नंबर एयरटेल ओनली। तो इसमें आपको एयरटेल का मोबाइल नंबर डाल देना है, मान के चलो एक मोबाइल नंबर इस जगह में डाल देंगे। डालने के बाद इसमें नेक्स्ट करेंगे तो आपको कुछ भी करने का ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करना है, स्किप नहीं करना है, डायरेक्ट आपको सबमिट कर देना है, ठीक है ना। तो मान के चलो कस्टमर अभी 199 ज़्यादा से ज़्यादा पे मांगता है, जो 199 का मेरे को मार दो, जो मेरे को 1.5 GB करके नेट मिलेगा। तो आपको यही ऑप्शन आता है, तो आपको इसमें स्किप नहीं करना, ठीक है ना। ये आपको स्किप करने की जरूरत नहीं होता है, उसको जितना चाहे जो आपका आएगा शो होगा उतना आपको रिचार्ज करने के बाद आना। तो ये आपको ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं क्या करेंगे, सबमिट बटन में क्लिक करेंगे। जब भी मैं सबमिट बटन में क्लिक करेंगे तो हमारा सामने एक इंटरफेस खुल जाएगा जिसका आपका ये होता है एयरटेल पेमेंट बैंक और बाय कैश। तो देखो मैं आपको बोला था ना जो आपको कमीशन ज़्यादा मिलने वाला है, किस तरह आपको ज़्यादा कमीशन मिलेगा मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसमें जो आपका शो हो रहा है बाय कैश में आपको 6% कमीशन मिलेगा और एयरटेल पेमेंट्स बैंक जो इसमें बहुत बता रहा है नॉट कस्टमर विल बी रिसीव OTP रजिस्टर मोबाइल नंबर। तो इसी मोबाइल में जब ये OTP सिलेक्ट करेगा, ठीक है ना, जब भी इस नंबर में आप बैलेंस जो होता है अनलिमिटेड पैक भरने को जाएगा तो इसमें आपको एक OTP आएगा, जिसका मतलब से OTP जो आपका आता है OTP इस जगह में आ जाएगा। जैसे कि आप लोग देख पाएगा इसमें मेरा इसमें बोल रहा है हाई प्लीज यर रिटेलर चॉइस यर पेमेंट्स बैंक अकाउंट इस टू रिचार्ज योर मोबाइल। तो मान के चलो आपका पास बैलेंस है लेकिन आपको रिचार्ज करने को नहीं पा रहा है, आपका पास मान के चलो एयरटेल पेमेंट बैंक का सेविंग अकाउंट है, तो आप एयरटेल मित्र स्टोर में जाके भी आप अपना बैलेंस आप रिचार्ज करने को सुविधा मिलता है। तो एक बेनिफिट मिलता है सेविंग अकाउंट में बैलेंस जो सेविंग अकाउंट होता है उसमें बेनिफिट मिलता है, अरे मित्र एप्लीकेशन में आपको बेनिफिट नहीं मिलता है। मान के चलो कैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपका मान के चलो सेविंग अकाउंट है, ठीक है ना, SEVING सेविंग, अरे ये आपका होता है मित्रा। तो ये जो आप बैलेंस पे करेगा वो बैलेंस आपको जब भी आप पे करेगा उस टाइम आपका सेविंग अकाउंट मान के चलो आपका सेविंग अकाउंट है, ये मान के चलो आपका एक एयरटेल पेमेंट बैंक का ये सेविंग अकाउंट, ठीक है ना। मैं अभी मान के चलो सेविंग अकाउंट है, इसी जगह में आपका जो 9% कमीशन होता है ये आपको इस जगह में ऐड हो जाएगा। मान के चलो आपका 199 जो रुपीस है होगा बैलेंस, तो उसमें आपको 190 रुपये पे करना है और आपको 9 रुपये इसमें बोलो तो कैशबैक मिल जाएगा। तो इसी तरह आपको इस सेविंग अकाउंट से आप जब भी रिचार्ज करेंगे एयरटेल पेमेंट बैंक में, तो जब भी मैं एयरटेल पेमेंट बैंक सिलेक्ट करेंगे, मान के चलो सिलेक्ट किया हूँ, इसमें क्या होगा ना वन टाइम एक OTP जाएगा इसी नंबर में, जो आप नंबर देख पा रहे हैं इसी नंबर में एक OTP जाएगा। ये OTP जब भी आप सिलेक्ट करेगा तो आपका OTP जो होता है इसमें बोल रहा है क्या एनक्वायरी एरर, तो इसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो हम रिसेट OTP मार देना है। सक्सेस होगा या OTP अभी जब भी आप OTP इस जगह में डाल देगा, तो मान के चलो मेरा अभी तक OTP नहीं आया है, तो मेरा जब भी OTP आ जाएगा ना तो इसी अकाउंट से मेरा बैलेंस कट जाएगा और इसी मोबाइल मेरा रिचार्ज हो जाएगा। ये हुआ है सेविंग अकाउंट का सिस्टम। जिसका सेविंग अकाउंट नहीं है उसका ये सिस्टम नहीं आएगा, जिसका एयरटेल मित्र एप्लीकेशन है और सेविंग अकाउंट भी एक्स्ट्रा है तो होगा, और जिसका सेविंग अकाउंट में एयरटेल पेमेंट बैंक है और वही मित्र एप्लीकेशन है उसमें आपका कभी भी नहीं होगा। तो आपको मैं यही बोलेंगे आप फटाक से 2 अकाउंट बना लो, एक सेविंग अकाउंट एक होता है BC अकाउंट। तो मेरा देखो जब भी OTP इसमें डालेंगे, मान के चले OTP डाल देंगे इस जगह में,
तो मैं इसमें मान के चलो मैं एक ओटीपी डाल दिया तो इसमें गलत ओटीपी डालेंगे तो इसमें बताएगा इनवैलिड ओटीपी, ठीक है ना। तो इसमें इसीलिए बताएगा मैं पे नहीं करूँगा, उसीलिए मेरे को वो इनवैलिड ओटीपी बता रहा है। तो मैं आपको ये जरूर शायद हेल्प करूँगा, तो आप दो अकाउंट मेरा हिसाब से कर लो। ये मेरा मित्र एप्लीकेशन है तो मैं इसको बैक कर लूँगा। ये मेरा एयरटेल पेमेंट बैंक जो है मर्चेंट अकाउंट है, और ये आपका जो होता है ये सेविंग अकाउंट होता है, ये आपका सेविंग अकाउंट होता है, ठीक है ना। ये आपका होता है सेविंग अकाउंट, ये होता है एयरटेल पेमेंट बैंक का सेविंग अकाउंट, और ये आपका होता है मित्र एप्लीकेशन का पीसी अकाउंट। तो मैं आपको यही बोलेंगे, आप जब भी पेमेंट करेगा कोई भी कस्टमर का, इसमें एक मोबाइल नंबर डालेंगे, और मोबाइल नंबर डालने के बाद इसमें कोई भी ऑप्शन आएगा तो सबमिट करना है आपको, बैक नहीं करना है, क्योंकि बैक करेगा तो आपको ये सिस्टम आपको 9% तक कमीशन नहीं मिलने वाला है। तो ये इस वीडियो में बता रहा हूँ टेक वाला बाबू यूट्यूब चैनल का सब बताने के लिए आया हूँ। तो आप शायद इस वीडियो देखेगा, अच्छा लगेगा तो लाइक कर देना, और इस वीडियो में कमेंट में बताना कैसे वीडियो लगा है। तो प्लीज़ इस वीडियो आपको बहुत सपोर्ट करना है। थैंक यू भाई, ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।